ओके तो गाइज क्या हाल चाल। सो गाइज आज आपका भाई फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका है और ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अच्छा आप लोग जो टाइटल देख रहे हो उसे यूट्यूब पे जाके सर्च करो, देखो अगर मिलती है तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना शाबाश, क्योंकि दोस्तों ये पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मिल सकता है लेकिन जो आप लोग फेदर वाला जैसे कि देख सकते हो ये फेदर वाला नहीं मिलेगा, थ्री वीडियो पूरा डिटेल में दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सबसे अलग है तो पहले से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी, वीडियो को पूरा देखो उसके बाद सब्सक्राइब करना या नहीं करना आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो इस तरह के वीडियोस एडिट करने के लिए सिर्फ हमें एक ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जो कि है VN एप्लीकेशन। VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना है तभी मेरा वीडियो जो है काफ़ी सही लगेगा देखने में। तो यहाँ पर प्लस पर टैप करता हूँ, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर ले लेता हूँ एंड तीन वीडियो को आपको शूट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे का वीडियो ले लेता हूँ और मतलब कि यहाँ पर रील्स पर मैंने डाउनलोड कर रखा था। तो वीडियो के ऐड करने के बाद सबसे पहले इसका ओरिजिनल साइज़ को चूज़ कर लेना जो कि 9:16 रेशियो होती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि उसके बाद आपको वीडियो को थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर जूम क्लिक करना है एंड वीडियो को थोड़ा सा जूम करना है क्योंकि आप इसी मतलब कि सेक्शन पर मुझे तीन वीडियो को ऐड करना है। तो इतना जूम करना है, इतना जूम करने के बाद आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो एक वीडियो मेरा ऐड हो चुकी है, अब मुझे ऐड करना है सेकंड वाला वीडियो। तो यहाँ पर टैप करता हूँ फिर वीडियो वाले सेक्शन पर जाता हूँ एंड सेकंड वाला वीडियो ले लेता हूँ। तो ये वाला वीडियो सेकंड ले लेता हूँ। तो इस वाले वीडियो को लेने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना इधर एंड यहाँ पर एक फिल का ऑप्शन दिखा देगा, फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप करना है क्योंकि ये जो वीडियो है पूरा फुल है, मतलब कि यहाँ पर नीचे से ऊपर तक पैर दिख रही है। तो इतना बड़ा रखूँगा तो फिर वीडियो एडजस्ट ही नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं क्रॉप वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इस वीडियो को थोड़ा सा इतना क्रॉप कर लेता हूँ, जस्ट इतना क्रॉप कर लेता हूँ। इतना मतलब कि इतना करने के बाद यहाँ पर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा, राइट साइड पर टैप करना है मास्क का यहाँ पर एकदम लास्ट के वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर मास्क पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पे दिखाई देगा मिरर का, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करो। अब मिरर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट करना है। यहाँ पर दो आइकन दिख रहे हैं जैसे कि देखो सिंबल ऊपर का और नीचे का, तो यहीं इसी से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। तो नीचे का इस तरह एडजस्ट करो और ऊपर का इस तरह से, और इस वीडियो को थोड़ा सा इतना कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा एडजस्ट हुआ है या नहीं, तो मैं चेक करके एक बार देख लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरा वीडियो उतना अच्छा खासा एडजस्ट नहीं हुआ, फिर से मैं चेक करके देख लेता एक बार। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फिर से क्रॉप वाला ऑप्शन पे जाऊँगा। तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इस सब वीडियो में। तो फिर से क्रॉप वाला ऑप्शन पे जाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता इतना, एंड यहाँ पर फिर से टैप। तो इतना एडजस्ट करने के बाद इस वीडियो को थोड़ा सा ऊपर करना है, इतना करना है, लाइक इतना कर देना। इतना करने के बाद आपको मतलब कि देख लेना फिर से चेक करके। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं फिर से टैप करके, अब मेरा वीडियो एडजस्ट हो चुकी है। अब जैसे कि देख सकते हो तो फेदर वाला एडजस्ट हो चुकी है। अब मुझे एक और वीडियो को लगाना है तभी तो मेरा वीडियो काफ़ी सही लगा देखने में। तो फिर से इसी वाले सेक्शन पर टैप करो, फिर वीडियो वाले सेक्शन पर जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कि ये वाला लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला लेने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि फिल वाले ऑप्शन पर जाना है एंड इसको फिल कर देना पूरा का पूरा। फिल करने के बाद आपको भी इसे थोड़ा सा क्रॉप करना है। तो जैसे कि दोस्तों नीचे का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना मुझे तो रखना नहीं है, तो मुझे उसका बंदे का फीलिंग्स को जोड़ना है। तो इतना कर देता हूँ, फिर से टैप करता हूँ। अब इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हो इसको मतलब कि सबसे ऊपर पे ले जाना है और थोड़ा मैं इसको मतलब कि क्रॉप कर लेता हूँ ताकि नहीं तो फिर बंदे का मुंडी ही कट जा रहा है। तो इतना करना है मतलब कि इस बंदे का इतना करना है एंड इसको ओके कर देना है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर पर ले जाता हूँ, इतना ले जाता हूँ। और इतना ले जाने के बाद आपको क्या करना है कि इतना लेने के बाद फिर से आपको मास्क वाले सेक्शन पे जाना है, फिर से मिरर वाले सेक्शन पे जाना है एंड इसको इतना कर देना है बस। अब मेरा वीडियो रेडी हो चुकी है, मतलब कि काफ़ी सही से एडजस्ट भी हो चुका है। मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर टैप करता हूँ। अब देखो मेरा वीडियो कितना कमाल लग रहा है देखने में, मतलब कि एकदम नेक्स्ट लेवल, मतलब काफ़ी फीलिंग्स है इस वीडियो में। और इस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक में भी अगर फीलिंग्स होगी तो आप लोग समझ लो वीडियो कैसा लगेगा। तो अभी इस तरह के वीडियोस आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों कोई नहीं बनाया है। तो आप मेरा वीडियो को देख लियो, अब आप खुद का क्रिएट करो और रील्स पर अपलोड करो, देखो व्यूज़ भर भर का मिलेंगे क्योंकि सबसे अलग वीडियो है। देख लो, आप खुद देख लो इसमें कितना फीलिंग्स लग रही वीडियो में, मतलब देखने में। तो बंदे ने शूट भी ऐसे ही किया है तो आपको भी ऐसे ही करना है और बस आपको रील्स पर अपलोड करना है। और बीच में से मान लीजिए कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आप अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।